मेरा नाम डॉक्टर ज्योतिंदर है. मैं अपोलो हॉस्पिटल में बच्चों की डिपार्टमेंट की हेड हूँ. और ये प्रिया है. प्रिया मेरी पेशेंट है जो हमारे पास ऑलमोस्ट डेढ़ महीना पहले आई थी. एक गांव जिसका नाम बेसाना है, महसाना के पास, ये वहाँ की रहने वाली है. ये वहाँ से आई थी. अबाउट 5 हॉस्पिटल्स में पहले जाके फिर ये हमारे पास आई. इसको एकदम से तेज बुखार चढ़ा और उसके बाद बहुत उल्टियाँ आई और 12 घंटे के अंदर अंदर ये तेज बुखार से बेहोश हो गई. और फिर उसके बाद इसको खींच पड़ने लगी. जब खींच पड़ने के बाद ये कुछ ही घंटे के बाद बेहोश हो गई. उसके बाद उस बेहोशी की स्टेट में और खींच की स्टेट में इसको महसाना के हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. उसके बाद हमारे पास आई जब तक ये 5 दिन वेंटिलेटर पे ऑलरेडी रह चुकी थी. फिर हमने इसको यहाँ आके वेंटिलेटर पे रखा, MRI किया ब्रेन का. इसकी जो भी ब्रेन की प्रॉब्लम्स थी उसको सब दवाइयाँ देके उसको ठीक किया. और 25 दिन के बाद इस लड़की ने बेहोश होने के 25 दिन के बाद आँखें खोलनी स्टार्ट की और ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मुंह से खाना स्टार्ट किया. और धीरे 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 इसके हाथ और पैर भी हिलने लगे जो 1 महीने से कुछ हिलता नहीं था. और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अपने इसको हमने मशीन से निकाला, वेंटिलेटर से निकाला. फिर उसके नाक से नली निकाल के मुंह से खाने लगी. फिर अपने अपने आप हाथ पैर की एक्सरसाइज से अब ये चल सकती है. तो इसका ब्रेन के MRI में इतनी प्रॉब्लम्स थी कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये किसी भी चीज़ से बच सकती है या कोई भी दवाई इसको बच सकती है. लेकिन इसके फैमिली, इसके मम्मी पापा, इसके सब लोग को इतना विश्वास था हमारे ऊपर, हमारे हॉस्पिटल के ऊपर कि ये ठीक हो जाएगी. तो ये एक मिक्स ऑफ फैमिली का फेथ एंड मिक्स ऑफ गुड ट्रीटमेंट, ये दोनों का असर इसके ऊपर हुआ है. सिर्फ दवाई नहीं, बहुत भगवान के ऊपर इनके फैमिली ने जो विश्वास रखा है प्लस दवाई, दोनों का असर इसके ऊपर हुआ है. और ये अभी ठीक होके कल जा रही है. ठीक है, स्माइल करके बोलो. बोलो. मुझे यह लाए एक खबर नहीं थी. गुजराती बोलो तुम. ओके भाई. आई मन बेने न साहेब बहु कोशिश कर. मां मम्मी पापा ने कहते थे कभी इस दिवस संदीप सन पंथा सोकरे नु पिता दे. पर ओके मन खबर नहीं थी कि आई हम मो तो मैं हाड़ा जानती थी. पर बस ही अहमदाबाद आई एवं खबर नहीं थी. मैं हाड़ा जाए नहीं थी खबर. बस यू कह भाई आई आई बस ठीक थी जाए. वही माँ पप्पा ने ओखी जाए एट भाई नवाण टका तो मारू मगज में खराब हो जाती और 1% पर हूँ जीतती थी. बस यू कह मम्मी ने अपने पकवान पर बात रखी. મારું નામ જારા ભરતસિંહ રજુજી છે. હું ભેસાણા ગામનો વતની છું, તાલુકો જિલ્લો મહેસાણા. જ્યારે મારી બેબીને તાવ આવ્યો ત્યારે બસ એક જ દિવસની અંદર એટલી બેહોશ થઈ ગઈ કે ના પૂછો વાત. એને અમે બાજુના ગામનો અંબાસણો દવાખાને લઈ ગયા, સરકારી દવાખાને. ત્યાંથી અમને કીધું કે આગળ લઈજો એક ઇન્જેક્શન આપીને રાત્રે 10 વાગે. ત્યાંથી અમે શંકુજમાં લઈ ગયા. શંકુજમાં 3:30 વાગ્યા સુધી એ તો કશું વાંધો નહીં ટ્રીટમેન્ટ કરી. પછીથી એમ કીધું કે આગળ લઈ જાઓ. અમે ત્યાંથી એને મહેસાણા લઈ ગયા. મહેસાણા અમે એક હોસ્પિટલમાં 5 દિવસ રાખી. ત્યાં સતત એને ખેંચ પડતી હતી. તો છેલ્લા દિવસે ડૉક્ટર અમને એમ કહેતા હતા કે સવારે ઉષ્મા આવી જશે, સાંજે ઉષ્મા આવી જશે. એમ કરીને અમને 5 દિવસ સુધી રાખ્યા ત્યાં લોકોએ. તે પછી અમને છેલ્લા 1 કલાક માટે એમ કહી દીધું કે હવે તમારા જોડે 1 જ કલાક છે, તમારા સગા સંબંધીઓને બધા બોલાવી લો. એને વેન્ટિલેટર ઉપર રાખેલી હતી. અમે જઈને ડૉક્ટરને પૂછ્યું કે આગળ લઈ જવાનો ચાન્સ લેવાય એપોલો લઈ જવાનો. તો ડૉક્ટરે કીધું કે હા, એપોલો લઈ જઈ શકાય. અમે ત્યાંથી સીધા બસીને એપોલો લાવ્યા. એપોલો લઈ રહ્યા પછી ડૉક્ટર જ્યોતિંદર મેડમ કૌર અને રાજકોઠારી સાહેબ એ બધાની એમની ટીમ આવી અને પિયા ઉપર 5 કલાક બાદ એમને એવું ડિસાઇડ કર્યું કે હું એમને બેઠી કરી દઈ. અહીંની સર્વિસ, અહીંના ડૉક્ટર, હા ના, તે બધું, અહીંનો સ્ટાફ બધું એટલો સરળ છે. અને એ બધાની દયાથી આજે મારી દીકરી મારી સામે 1 મહિના પછી જીવતી જાગતી બેઠી. સો નાઇસ.
કેટના અચ્છા